एज पर आरबीआई नोटिस 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपना फोन पे बिजनेस अकाउंट पे अपना पेटीएम पेमेंट बैंक चेंज कर सकते हैं नमस्कार मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले आपको क्या करना है पहले आपको फोन पे बिजनेस ऐप को प्ले स्टोर में जाके लेटेस्ट वर्सन में अपडेट कर लेना है अपडेट करने के बाद फोन पे ऐप्स को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद इधर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपका इधर पेटीएम पेमेंट बैंक रहेगा पेटीएम पेमेंट बैंक के साइड में एक छोटा सा एरो है बट हमारा इधर स्टेट बैंक करके रखे है तो मैं इधर इस एरो पे क्लिक करूंगा इसके बाद इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चेंज बैंक अकाउंट चेंज बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है चेंज बैंक अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे इधर आपका अपना बैंक अकाउंट सर्च करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा नहीं तो आप स्क्रोल करके भी अपना बैंक अकाउंट सर्च कर सकते हैं चलिए मैं इधर एक बैंक अकाउंट सर्च कर लेता हूँ हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक है तो एयरटेल पेमेंट बैंक में सर्च कर लेता हूँ जब आप एयरटेल पेमेंट बैंक सर्च करेंगे इधर देख सकते हैं हमारा अकाउंट का नाम आ चुके हैं इसके बाद लास्ट में जो नंबर है आई कोड ये सब कुछ आ चुके हैं आप चाहते हैं तो इस अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और आप नहीं चाहते इस अकाउंट को ऐड करने के लिए आप बैक कर सकते हैं इस तरफ से अपना अकाउंट को आप चेंज कर सकते हैं चलिए मैं और एक बैंक अकाउंट ऐड करके दिखाता हूँ जो कैसे आप और एक बैंक अकाउंट एड कर सकते हैं मेरा पंजाब नेशनल बैंक भी है तो चलिए मैं पंजाब नेशनल बैंक को चूज कर लेता हूँ इसके बाद देखिए दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक जब मैं चूज कर रहा हूँ तब मेरे पास एक ऑप्शन आ चुका है सिलेक्ट करके इधर भी एक अकाउंट है जो जो तो हमारा करेंट अकाउंट है ये वेरीफाई करना पड़ेगा जीएसटी देके, बट हमारा ये जो अकाउंट है ये अकाउंट हमारा नाम से है इसीलिए इस कर सकते हैं इस अकाउंट पे आपको इस ऑप्शन पे होगा चेंजिंग बैंक अकाउंट मतलब ये कुछ टाइम लेगा इसके बाद कुछ टाइम के अंदर आपका जो बैंक अकाउंट है ये चेंज कर देगा इसी तरफ से आप अपना बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं ये थोड़ा सा टाइम लेता है आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट चेंज इज इन प्रोसेस तो ये प्रोसेस में है आपको कुछ टाइम वेट करना है उसके बाद आपका जो अकाउंट है ये चेंज हो जाएगा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए अच्छा रहिए नमस्ते